world is facing a plastic pollution crisis. It is literally everywhere. Every minute, an entire garbage truck worth of plastic waste is dumped into the world's oceans. On average, the world produces 430 million metric tons of plastic every year. We live in such a wasteful world, the idea of recycling lessens our guilt and gives us a warm glow. As we drag our bins out for collection, it makes us feel like we're helping the environment. But there's a problem. We're being conned. The vast majority of plastic products, by design, cannot be recycled, and 91% end up in landfills, are burned, or are released into the environment. 8 million metric tons, that's the amount of plastic dumped into the oceans each year. Scientists have long warned about the effects of plastic pollution in the world's oceans. Now, a review of studies shows that despite awareness, the problem is getting worse. Two new studies out this week find that we're eating and drinking more plastic than we might have realized. Microplastics found in a fetus, a pre-polluted baby. I know it sounds horrific. Plastic pollution has to be recycled. पृथ्वी का अधिकांश भाग हमारे द्वारा फेंके गए प्लास्टिक से प्रदूषित है। आपको हर एक जगह आसानी से प्लास्टिक वेस्ट मिल जाएगा। यह हमारे चारों ओर स्थित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लास्टिक के आविष्कार के बाद यह एक क्रांतिकारी सामग्री बनी, लेकिन अब यह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इस समय महासागरों में लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से हर साल लाखों समुद्री जीव और पक्षियों की दर्दनाक मौत होती रहती है। और जिस गति से हम समुद्रों में प्लास्टिक वेस्ट डाल रहे हैं, उसके अनुसार 2050 तक प्लास्टिक समुद्रों की सभी मछलियों से अधिक हो जाएगा। और भूमि आधारित प्लास्टिक वेस्ट का अधिकांश भाग लैंडफिल्स में डाल दिया जाता है। इस समय दुनिया में हजारों लैंडफिल्स स्थित हैं, जिनमें लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट मौजूद है, जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। और इन लैंडफिल्स के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी जोखिम भरी या फिर भयानक है। हर साल आग लगती है, ये नई बात नहीं है, हर साल लगती है। सरकार सारी दिक्कत मुसीबत का सामना करके काम करना पड़ता है, क्या करें। जान माल का दोनों का खतरा है यहाँ पे। पीछे सारी झुग्गियाँ जल गई, बेचारे सब लोग आग खाली करके चले गए। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, इतना धुआं रहता है, रोज यहाँ आग लगती है, जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। आंखों में सबसे ज्यादा जोर पड़ता है इस चीज से। ये आपको भी पड़ेगा और हमको भी पड़ेगा। कल को हम मरेंगे, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम है, साथ में जो बड़े बड़े उन्हें भी प्रॉब्लम ज्यादा ही है। सांस नहीं ली जा रही, आंखों में जलन इतनी हो रही है, आदमी बस मजबूरी है, घर तो छोड़ ही सकते हैं। उसकी लाइफ तो समझिए बहुत ही नर्क लाइफ है। सांस लेने में परेशानी होता है, बच्चे सबको भी घबराहट और हम लोग को भी घबराहट होता है। मोस्टली जो नॉर्मल बीमार होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। सबकी सांस फूल रही थी, हमारा बड़े वाले लड़के का भी मतलब सांस धुएं की वजह से ये होने लगता है। मेरे ससुर को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे देवर के बच्चे लोग को भी, सारे को यहाँ पे अस्थमा का मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि उनको लेने में सांस दिक्कत सभी को हो जाता है। और ये प्लास्टिक प्रदूषण विकासशील एशियाई और अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक दिखाई देता है, जहाँ कचरा संग्रहण प्रणाली अक्सर अक्षम या अस्तित्वहीन होती है। और ऐसा नहीं है कि अमीर देश प्लास्टिक रिसाइकलिंग या संग्रहण प्रणाली में काफी ज्यादा अच्छे हैं। नहीं नहीं, हमने आज तक केवल 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया है, जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर हजारों सवाल खड़े करता है। और अमीर देशों में गरीब और विकासशील देशों की तुलना में काफी कम प्लास्टिक वेस्ट दिखाई देता है, जबकि ये देश इन देशों की तुलना में काफी अधिक प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि अमीर देशों ने अपने पैसों का फायदा उठाते हुए सालों तक चाइना और कई विकासशील और गरीब देशों में अपना लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट भेजा है। ये जानते हुए भी कि ये देश प्लास्टिक रिसाइकलिंग और संग्रहण प्रणाली में काफी कमजोर थे, और दूसरा इन देशों के अंदर पर्यावरण नियम भी ना के बराबर थे, तो इन देशों पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। और यही वह कारण है कि अधिकतर प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ी टॉप 10 लिस्ट में आपको एशिया और अफ्रीका के कई देश दिखाई देंगे। और एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2 दशक पहले की तुलना में 2 गुना प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न कर रही है, क्योंकि बढ़ती आबादी और आय के कारण प्लास्टिक के इस्तेमाल और फेंके जाने की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण में प्लास्टिक के रिसाव को रोकने की नीतियां भी कम होती जा रही हैं, और इसलिए अधिकतर प्लास्टिक वेस्ट लैंडफिल में समाप्त हो रहा है। और जहां प्लास्टिक वेस्ट के लिए अधिकतर लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, वैसा है नहीं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनियां सबसे बड़ी प्लास्टिक अपराधी हैं। विशेष रूप से 20 कंपनी जो सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के आधे से अधिक का उत्पादन करती हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट में अधिकतर हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है। और इसमें कहा गया है कि तेल की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल कॉर्प दुनिया का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक है।
तो देखो इस समय हम जिस भी स्थिति में उसके कई कारण हैं जिसके जिम्मेदार हैं प्लास्टिक उद्योग और कई फॉसिल फ्यूल्स कंपनी जिन्होंने केवल अपने प्रॉफिट के लिए करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाना सही समझा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिसाइकलिंग जो कि केवल एक स्कैम बन के रह गई। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे प्लास्टिक उद्योग ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया और किस वजह से हर साल लाखों जानवर मारे जाते हैं और किन कारणों की वजह से केवल गरीब और विकासशील देशों में अधिकतर प्लास्टिक वेस्ट दिखाई देता है जबकि ये देश अमीर देशों की तुलना में काफी कम प्लास्टिक वेस्ट यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम इस कहानी को एक बार शुरू से शुरू करते हैं। तो बेल्जियम के लियो बेकलैंड ने 1907 में पहली पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया और कह सकते हैं कि यहीं से प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई क्योंकि इस नई मटेरियल को आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता था वो भी काफी कम खर्च में और ये धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल कर रहा था। लेकिन अभी तक प्लास्टिक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था कि उसे व्यापक रूप से अपनाया जाए। लेकिन ये सब बदलता है वर्ल्ड वॉर टू में जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध की वजह से उस समय सैन्य अनुप्रयोगों के लिए हल्के और टिकाऊ सामग्रियों की मांग बढ़ने लगी क्योंकि उस समय तक प्लास्टिक का उपयोग सैन्य सामग्रियों में नहीं हो रहा था। तो अमेरिका ने प्लास्टिक पर अपना दाव खेला और सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और प्लास्टिक के लिए नए अनुप्रयोग विकसित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की क्योंकि अमेरिका को पता था कि प्लास्टिक उद्योग एक ऐसा उद्योग था जो उन्हें सबसे अधिक लाभ देने वाला था और ऐसा ही हुआ। अमेरिका में जनक रूप से प्लास्टिक उत्पादन में 300% की वृद्धि हुई और इसने उन्हें इस उद्योग में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। तो युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी सरकार और प्लास्टिक कंपनियां अब पीछे हटने वाली नहीं थी क्योंकि यही सही वक्त था अधिक मुनाफा कमाने का। अब उनके पास समस्या ये थी कि आखिर सभी लोगों को ये प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कैसी बेची जाएं क्योंकि सभी लोग अपने घरेलू जीवन में स्टील, कागज या फिर लकड़ी से बनी चीजों का उपयोग करते आ रहे थे और उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता था। तो प्लास्टिक उद्योग ने प्लास्टिक को बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है लोगों को कुछ भी बेचने का और धीरे धीरे प्लास्टिक से बनी चीजें अमेरिका में लोकप्रिय होने लगी और प्लास्टिक को व्यापक रूप से अपनाया गया और इसकी नींव अमेरिका ने रखी और उस समय ये परिवर्तन इतना तेज था कि हर एक जगह प्लास्टिक का उपयोग होने लगा क्योंकि प्लास्टिक काफी ज्यादा लचीली थी, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था और ये काफी ज्यादा टिकाऊ थी और जैसा कि हमने पहले बात की थी इसे आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता था वो भी काफी कम खर्च में जो कि उस समय की बनी चीजों के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए प्लास्टिक उद्योग ने प्लास्टिक को काफी ज्यादा प्रमोट किया ताकि अधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन अब समस्या ये थी कि जिस तरह हम प्लास्टिक को एक या दो यूज के बाद फेंक देते हैं उस समय ऐसा नहीं था। लोगों को आदत थी चीजों को काफी लंबे समय तक यूज करने की क्योंकि उस समय की चीजें काफी ज्यादा टिकाऊ और महंगी थी। प्लास्टिक कंपनियों को यह चाहिए था कि लोग प्लास्टिक का उपयोग तो अधिक करें लेकिन वह एक या दो यूज के बाद वह उन्हें फेंक दें जिससे कि वह लोगों को अधिक प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा होगा क्योंकि प्लास्टिक से बने उत्पादनों में काफी कम पैसे खर्च किए जाते थे तभी तो वह इतने बड़े स्केल पर आसानी से अधिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना पा रहे थे। इसलिए उन्होंने दोबारा से विज्ञापनों का सहारा लिया और इस बार उन्होंने लोगों को प्लास्टिक वस्तुओं का पुनः उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों से कहा गया कि आप लोगों को प्लास्टिक बैग, बोतल, कंटेनर्स इत्यादि का दोबारा उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें एक यूज के बाद फेंक दें जिसे हम आज सभी सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक उद्योग ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एक क्रांतिकारी सामग्री के रूप में दिखाया और कहा ये फायदे और सुविधाओं से भरपूर है और उन्होंने विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से एक बार उपयोग के बाद प्लास्टिक को फेंकने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया और विज्ञापनों में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में समय और प्रयास बचा सकती है। तो प्लास्टिक को एक भविष्यवादी सामग्री के रूप में चित्रित किया गया जो कि पुराने और कम कुशल विकल्पों की जगह ले रही थी और प्लास्टिक को फेंकना आधुनिक युग की तेज तरार सुविधाजनक जीवन शैली को अपनाने का प्रतीक बन चुकी थी। इसी वजह से लोगों ने प्लास्टिक को फेंकना शुरू कर दिया। तो दोहरा और आकर्षक नारों के माध्यम से विज्ञापनों ने रोजमर्रा की जिंदगी में डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग करने और उसे त्यागने के विचार को सामान्य बना दिया। इसने एक सांस्कृतिक मानसिकता का निर्माण किया जहाँ सुविधाओं में बर्बादी के बारे में चिंताओं को दूर कर दिया और डिस्पोजेबल की एक संस्कृति का निर्माण हुआ। लेकिन ये ज्यादा साल नहीं चला क्योंकि प्लास्टिक का पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, हर एक जगह प्लास्टिक वेस्ट दिखने लगा जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगे। फिर 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में पहले पृथ्वी दिवस के लिए लोग सड़कों पर उतरे और इस रैली में भाग लेने वाले लोगों की संख्या थी 20 मिलियन। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी दिवस का केंद्रीय विषय नहीं था, इसका उद्देश्य तेल रिसाव, वायु और जलवायु प्रदूषण और लुप्त
लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ने वाले विभिन्न पर्यावरण समूहों को एकजुट करना था। पृथ्वी दिवस ने इन विविध आवाजों को सुनने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया और इसमें से कई प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में थी, क्योंकि प्लास्टिक का व्यापक उपयोग और हानिकारक प्रभाव 1970 के उभरते हुए मुद्दे थे। और इसीलिए पहली बार रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका ने छात्रों के लिए एक सार्वभौमिक प्रतीक डिजाइन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की। और ये प्रतियोगिता हाई स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए खुली थी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के गैरी एंडरसन ने ये प्रतियोगिता जीती और बनाया ये सिंबल जिसे हम आज सभी रिसाइकलिंग प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो पहले पृथ्वी दिवस के बाद प्लास्टिक उद्योग पर सवाल उठने लगे। लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाया गया कि इस तरीके की स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं और इस वजह से प्लास्टिक उद्योग का व्यवसाय प्रभावित होने लगा, वो भी केवल कुछ लोगों की वजह से जिन्हें पर्यावरण की परवाह है। पर्यावरण की परवाह कैसे है? किसी भी उद्योग के लिए जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह उनका मुनाफा। अगर आपका मुनाफा कम होता है तो वक्त आ गया है कुछ करने का। ओके, तो ये वाला खंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जिस उद्योग ने लाखों डॉलर खर्च करके लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आप प्लास्टिक को एक यूज के बाद फेंक सकते हैं, दोबारा उपयोग करने की क्या जरूरत है। और जब लोगों ने ऐसा किया और इस तरीके की स्थिति पैदा हुई और जब लोगों ने सवाल उठाए तो प्लास्टिक उद्योग ने इस स्थिति के लिए लोगों को ही दोषी ठहराया कि यह सब गलती आपकी है। ताकि उनके मुनाफे पर कोई असर ना हो, लाखों डॉलर दोबारा खर्च किए गए, कई विज्ञापन बनाए गए जिसमें कहा गया कि वे ही प्लास्टिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और वे ही इसे रोक सकते हैं। ओके, टॉपिक सेट कर, कोई भी बड़ा उद्योग कभी भी अपनी गलती के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि इससे उसके मुनाफे पर असर पड़ सकता है और वह ऐसा किसी भी हालात में नहीं होने देते। वे हमेशा जनता को दोषी ठहराते हैं और ऐसा ही हुआ। उन्होंने विज्ञापनों के माध्यम से जनता को ही दोषी ठहराया और कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आपकी वजह से पैदा हुई है। और उस समय यह स्टेटमेंट और विज्ञापन काफी ज्यादा प्रचलित हुआ और यह कथन यह दर्शाता कि प्लास्टिक उद्योग ने सारा दोष जनता पर डालकर कुछ समय के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित बातों पर विराम लगा दिया। और ये काम करता है, लोग अपनी प्लास्टिक को फेंकने के बजाय कुछ रिसाइकलिंग प्लांट में अपनी प्लास्टिक भेजना शुरू करते हैं, लेकिन ये उस समय काफी कम था। और फिर 1980 के दशक में लोगों ने फिर से प्लास्टिक उद्योग पर आरोप और दबाव डालना शुरू किया, क्योंकि अब कई लोगों के पास आधिकारिक डेटा था जो ये बताने में सक्षम था कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और इस विरोध को देखते हुए पहली बार प्लास्टिक उद्योग ने इन विरोधों पर आधिकारिक रूप से गौर करना शुरू किया और लोगों को कहा गया कि वह इस समस्या का हल निकालेंगे। और क्योंकि उस समय रिसाइकलिंग के बारे में इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसी वजह से प्लास्टिक उद्योग ने रिसाइकलिंग की प्रभावशीलता पर भारी शोध और पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन यह रिपोर्ट उनके लिए एक बुरी खबर लेकर आई और रिपोर्ट से यह पता चला कि केवल कुछ ही प्रकार के प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है और अधिकतर प्लास्टिक बिल्कुल भी रिसाइकलिंग योग्य नहीं थी, क्योंकि जो अणु प्लास्टिक को दिखे लचीला और टिकाऊ बनाते हैं वही प्लास्टिक के रिसाइकल ना होने का कारण बने। और अन्य समस्या ये थी कि पुरानी सामग्रियों से प्लास्टिक बनाने के बजाय नए सिरे से प्लास्टिक बनाना हमेशा सस्ता और अधिक कुशल था। और यहाँ से प्लास्टिक उद्योग ने करोड़ों लोगों को रिसाइकलिंग के नाम पर मूर्ख बनाना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि लोग रिसाइकलिंग करना चाहते हैं ताकि उन्हें बुरा महसूस नहीं हो कि वे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं प्लास्टिक का उपयोग करके। और अगर जनता ये सोचती है कि रिसाइकलिंग काम कर रही है तो वे पर्यावरण के बारे में चिंतित नहीं होंगे, इससे प्लास्टिक उद्योग को भी नुकसान नहीं होगा और वे भारी मात्रा में अपनी प्लास्टिक बेच पाएंगे। और इसी वजह से कुछ प्लास्टिक निर्माताओं ने अपने विपणन उद्देश्यों के लिए रिसाइकलिंग प्रतीक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। 1988 में सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री द्वारा कोड का एक सेट विकसित किया गया और ये कोड 1-7 तक थे जिन्हें रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड कहते हैं। और प्लास्टिक उद्योग ने इसे रिसाइकलिंग प्रतीक चिन्ह की तरह बनाया, बस इसके अंदर संख्याएं जोड़ दी ताकि वे लोगों को भ्रमित कर सकें। तो रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की पहचान और क्रमबद्ध करने के लिए विकसित किया गया था और ये किसी भी प्रकार की रिसाइकलिंग क्षमता को नहीं दर्शाता बल्कि उत्पाद में प्रयुक्त रेजिन या प्लास्टिक पॉलीमर के प्रकार को दर्शाता है। और ऐसा जानबूझकर किया गया और सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर इन प्रतीक चिन्ह को छापा गया और आज तक इस सभी प्रतीक चिन्ह आपके द्वारा यूज किए जाने वाले सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर आपको दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे लोगों को मूर्ख बना सकें कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली प्लास्टिक रिसाइकल योग्य है, ताकि उन्हें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के बारे में इतना बुरा महसूस नहीं हो कि उनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ताकि प्लास्टिक उद्योग आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के प्लास्टिक बेच सके। और फिर से लोगों को विश्वास दिलाया गया कि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक रिसाइकलिंग योग्य है, जबकि ऐसा था नहीं, केवल दो प्रकार की प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जा सकता था। लेकिन इस बात की जानकारी केवल प्लास्टिक उद्योग को थी और इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम के प्लास्टिक को बेचना जारी रखा और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप जितना चाहे उतना प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, बाद में तो ये रिसाइकल हो ही जाएगा, इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और फिर से प्लास्टिक कंपनियों
द्वारा विज्ञापन चलाए गए प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर, ताकि वे जनता का ब्रेन वॉश कर सकें। वो प्लास्टिक उद्योग यही करते आ रहे हैं, जैसे ही उनका विरोध होता है वे विज्ञापनों में पैसे लगाकर इन विरोधों को दबा देते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर प्लास्टिक के साथ दिक्कत क्या है। तो पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। जहां 1950 में प्लास्टिक का उत्पादन केवल 2 मिलियन टन था, वह वर्तमान में बढ़कर 450 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है। और अब तक निर्मित प्लास्टिक का आधा हिस्सा पिछले 15 वर्षों में बनाया गया है। तो प्लास्टिक के साथ दिक्कत यह है कि प्लास्टिक द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं ने इसे फेंक देने वाली संस्कृति को जन्म दिया है। आज हर साल उत्पादित होने वाले प्लास्टिक का 40% हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है, जैसे प्लास्टिक बैग, बोतल और खाद्य रेपर, जिनका जीवन काल मात्र मिनटों से घंटों तक का होता है, लेकिन फिर भी ये पर्यावरण में सैकड़ों साल तक बने रहते हैं। और सैकड़ों वर्षों से मेरा मतलब है 500 से 1000 वर्ष प्लास्टिक को नष्ट होने में इतने साल लगते हैं। और इसी वजह से आपको ये प्लास्टिक वेस्ट हर एक जगह दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है फेल रिसाइकलिंग, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से केवल 9% त्यागे गए प्लास्टिक का ही पुनर्चक्रण किया गया है। बाकी बचे 91% में से 12% को जला दिया गया और बाकी का हिस्सा अभी भी महासागरों और लैंडफिल्स में मौजूद है। केवल 9% प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक उद्योग और कुछ अमीर देश जिम्मेदार है। प्लास्टिक उद्योग ने लोगों का ब्रेन वॉश करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, न कि रिसाइकलिंग पर। उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए रिसाइकलिंग को प्लास्टिक कचरे की समस्या का एकमात्र समाधान बताया, जबकि उन्हें यह पता था कि अधिकतर प्लास्टिक रिसाइकलिंग योग्य नहीं है, और जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग योग्य है वह काफी ज्यादा महंगा है या फिर वर्जिन प्लास्टिक की तुलना में काफी निम्न गुणवत्ता का। और कुछ अमीर देश जिन्होंने 1990 के दशक के बाद से अपना प्लास्टिक वेस्ट चाइना भेजना शुरू किया, जैसे कि अमेरिका, जिसने 1990 के बाद अपना लाखों टन कचरा चाइना भेजना शुरू किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि देखो रिसाइकलिंग वर्क कर रही है, जबकि ऐसा था नहीं। तो अब बात करते हैं चाइना की, जो कि फेल रिसाइकलिंग और प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे अहम हिस्सा है। तो 90 के दशक में चीन विनिर्माण पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा था और अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए उसे कच्चे माल या प्लास्टिक वेस्ट की आवश्यकता थी, ताकि वे उसका पुनः उपयोग करके कुछ नई सामग्री बना सके। और इसी वजह से अमीर देशों से प्लास्टिक वेस्ट खरीदना शुरू करता है। तो चीन के पास एक बड़ा कार्यबल था जो कि कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार था, जिससे कि बड़ी मात्रा में आयातित प्लास्टिक कचरों को छांटना और संसाधित करना आर्थिक रूप से संभव हो गया। और क्योंकि चीन के अंदर पर्यावरण नियम काफी कम सख्त है, इसी बात का फायदा उठाते हुए अमीर देशों ने अपना प्लास्टिक वेस्ट चाइना भेजना शुरू कर दिया। और कई विश्वसनीय स्रोतों से ये पता चलता है कि चीन ने 1990 के बाद से दुनिया के 40-50% प्लास्टिक वेस्ट का आयात किया था। और ये अमीर देश चाइना को रिसाइकलिंग नहीं भेज रहे थे, ये उन्हें अपना कचरा भेज रहे थे, जिससे कि अमीर देशों के अंदर लैंडफिल्स हटने लगी। चीन का अनौपचारिक रिसाइकलिंग क्षेत्र भारी मात्रा में कचरे का प्रसंस्करण करते समय अक्सर पर्यावरण की कीमत पर ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि सभी आयातित प्लास्टिक को कभी रिसाइकल किया ही नहीं गया, क्योंकि चाइना को जो भी प्लास्टिक वेस्ट प्राप्त हो रहा था वह निम्न गुणवत्ता का था, जिसे कभी भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से अधिकतर प्लास्टिक को लैंडफिल्स या फिर महासागरों में अवैध रूप से फेंक दिया गया। बात करते हैं 2017 की। तो 3 दशकों तक दुनिया के आधे प्लास्टिक वेस्ट को खरीदने के बाद चाइना ने प्लास्टिक वेस्ट के आयात पर रोक लागू करके वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, और इस निर्णय को आधिकारिक तौर पर नेशनल शोर नीति के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे कई कारण थे, सबसे अधिक पर्यावरण संबंधी चिंताएं, क्योंकि चीन दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा आयातक बन गया था। इसमें अधिकांश प्लास्टिक खराब गुणवत्ता और अन्य सामग्रियों से दूषित था, और ये प्लास्टिक वेस्ट का प्रभाव उनके पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। और जो लोग इन्हें छांटने का काम कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफी अधिक होने लगी। और वैसे भी चीन अब काफी ज्यादा विकसित हो गया था कि वे अपने कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कचरा पैदा कर रहे थे, और आयातित कचरा उनके लिए महंगा और समस्या बनता जा रहा था। तो चीनी सरकार को यह एहसास हुआ कि यह उनके लिए बर्बादी है, और इन सभी चीजों को देखते हुए चीनी सरकार ने आखिरकार ये प्रतिबंध लागू किए। और इन प्रतिबंधों की वजह से अमीर देशों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, उनकी सो कॉल्ड रिसाइकलिंग फेल होने लगी, क्योंकि ये प्रतिबंध चीन के प्लास्टिक के आयात को कम करने में प्रभावी रहे। क्योंकि 2017 के बाद से आयात में 99% की गिरावट आई, और जो देश पहले अपना प्लास्टिक कचरा चीन को निर्यात कर रहे थे, उन्हें नए गंतव्य खोजने या घरेलू रिसाइकलिंग बुनियादी ढांचों में निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये देश पहले से अधिक रूप से चाइना पर निर्भर थे, तो उन्होंने कभी भी अपने रिसाइकलिंग ढांचों में निवेश करने के बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपना कचरा मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में भेजना शुरू कर दिया, जहां पर्यावरण नियम न के बराबर थे कि इन देशों से
कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और फिर इन देशों के अंदर प्लास्टिक कचरे का आयात कई गुना बढ़ने लगे और ये देश खुशी से इन देशों से प्लास्टिक वेस्ट खरीदने लगे और इन ऐसे देशों को ऐसा लगा कि अमीर देशों से प्राप्त होने वाले प्लास्टिक कचरे से वे कुछ लाभ कमा पाएंगे। लेकिन ऐसा था नहीं और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इन देशों में प्लास्टिक कचरे का उपचार करने के लिए आवश्यक कारखाने भी उपलब्ध नहीं थे और इसके अलावा इन देशों के पास तो खुद के कचरे का उपचार करने के लिए भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये अमीर देशों से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट का उपचार तो कैसे करते और फिर इन देशों में कई अनौपचारिक डंप साइट्स बनने लगी और आपको इस तरह के कूड़े के पहाड़ इन देशों के अंदर कई दिखाई देंगे जो आसपास के लोगों के जीवन को नर्क बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और इसके अलावा इनके पास रहने वाले हजारों लोग जान जोखिम में डालकर इन लैंडफिल से कचरा उठाने का काम करते हैं कि उन्हें कुछ उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जिसका उपयोग करके वे कुछ लाभ कमा सके और जो लोग इन विशाल लैंडफिल्स के आसपास रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग आज कई तरीके की बीमारियों का सामना कर रहे हैं और अब आप ऐसा सोचेंगे कि अगर इन लोगों के जीवन इन लैंडफिल्स के कारण इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं तो वे इन लैंडफिल्स के पास क्यों रहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, ये लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, इनके पास कहीं और जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये अपने जीवन व्यापन के लिए इन लैंडफिल से कचरा इकट्ठा करने का काम करते हैं ताकि ये अपनी दिनचर्या चला सके। और इन देशों में सबसे अधिक उत्पादित कचरा अमेरिका द्वारा भेजा जा रहा था और ये देश अपने कचरे को छांटने के बाद कार्गो शिप के जरिए इन देशों के अंदर ये प्लास्टिक वेस्ट भेज रहे थे और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वे इन्हें केवल अपना कचरा भेज रहे थे, ना कि कोई रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। और जल्द इन देशों को ये एहसास हो गया कि वे इन अमीर देशों से केवल कचरा खरीद रहे हैं और वे इन विकसित देशों के लिए डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं और इन देशों में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ने लगी। और जब इन देशों को इस बात का एहसास हुआ तो इन्होंने भी कई प्रतिबंध लागू किए कि वे इन देशों से किस प्रकार का प्लास्टिक खरीद रहे हैं और इस घटना ने इन अमीर देशों की रिसाइकलिंग उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया क्योंकि इन देशों का प्लान ये था कि चाइना के बैन के बाद वे अपने प्लास्टिक कचरे को इन गरीब और विकासशील एशियाई देशों में स्थानांतरित कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कई बड़ी संगठनों को भी इसमें शामिल होना पड़ा कि वे इन गरीब और विकासशील देशों में अपना कचरा भेजना बंद करें और अपने रिसाइकलिंग उद्योग पर ध्यान दें, अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का मूल्यांकन करने और घरेलू रिसाइकलिंग और अपशिष्ट उपचार सुविधाओं में अधिक निवेश करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा और इस कचरे के निर्यात में निर्भरता पर कमी आई। अब बात करते हैं जहां प्लास्टिक ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। तो मानव जाति अपने कचरे को साफ करने के लिए नदियों और समुद्रों का उपयोग करते आए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि समुद्रों के विशाल आकार के कारण हम अपना कचरा समुद्रों में डाल सकते हैं और उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि महासागर हमारे ग्रह के सबसे अज्ञात हिस्सों में से एक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में किए गए अध्ययनों से ये पता चलता है कि ये शानदार पर्यावरण मानव हस्तक्षेप से गंभीर खतरे में है क्योंकि समुद्री जीवन पानी के रासायनिक प्रदूषण और हर साल महासागरों में फेंके जाने वाले लाखों टन कुप्रबंधित कचरे से अपूर्णीय क्षति झेल रहा है। इसका परिणाम एक ग्रही संकट है जिससे हर साल लगभग 100,000 समुद्री जीव प्लास्टिक के सेवन या उसमें उलझने से मारे जाते हैं। इसके अलावा 1,000,000 समुद्री पक्षी भी इसी तरह मारे जाते हैं और इस समय हमारे महासागरों में प्लास्टिक मलबे के 5.25 ट्रिलियन टुकड़े मौजूद हैं। इसके अलावा हर साल अनुमानित 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हमारे महासागरों में समा जाता है और हमारे द्वारा फेंके गए प्लास्टिक वेस्ट और कई कारणों की वजह से समुद्रों में इस समय 500 स्थान ऐसे हैं जो विश्व स्तर पर मृत क्षेत्रों के रूप में दर्ज किए गए हैं। समुद्रों में 500 मृत क्षेत्र की उपस्थिति एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को उजागर करता है। ये मृत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर इस हद तक कम हो गया है कि वहां अधिकांश समुद्री जीवन जीवित नहीं रह सकता और दुनिया भर में समुद्रों का 90% मलबा केवल 10 नदियों से आता है जिसमें से 8 एशिया में और 2 अफ्रीका में स्थित हैं, जो कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हालिया अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है कि केवल 10 नदियां नहीं बल्कि महासागरों में प्रवेश करने वाला प्लास्टिक वेस्ट दुनिया की हजार नदियों द्वारा महासागरों में प्रवेश करता है और इन्हीं अध्ययनों में से एक का अनुमान है कि महासागरों में उत्सर्जित होने वाला 81% कचरा एशिया से आता है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। और महासागरों में स्थित प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो इस समय 70-80% मलबा भूमिगत क्षेत्रों से महासागरों में प्रवेश करता है और 20-30% मलबा समुद्री स्रोतों से महासागरों में प्रवेश करता है जैसे मछली पकड़ने के नेट्स, रोप्स और लाइने इत्यादि। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमारे द्वारा गिराया गया प्लास्टिक वेस्ट समुद्रों में किस तरीके से ट्रेवल करता है। तो जब प्लास्टिक समुद्रों में प्रवेश करता है तो उसका भाग्य कोई साधारण खानी नहीं है। अपने आकार, प्रकार और समुद्री धाराओं के आधार पर
विभिन्न परिणाम के विभिन्न रास्ते अपना सकता है, जैसे बोतल, बैग और मछली पकड़ने के गियर जैसी बड़ी प्लास्टिक की वस्तुएं अक्सर वर्षों या दशकों तक धाराओं द्वारा तैरती रहती है। ये दृश्यमान प्लास्टिक कुख्यात ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच जैसे समुद्री गायर पेच के निर्माण में योगदान देती है। ओके, तो बात करते हैं गार्बेज पेच की, जिसे जायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ समुद्री धाराओं में समुद्री मलबा केंद्रित होता है, जो मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे से बना होता है। ये पेच इसलिए बनते हैं क्योंकि घूमती समुद्री धाराएं तैरते हुए मलबे को अपनी गोलाकार प्रणाली में फंसा लेती हैं और ये इसे आगे फैलने से रोकती हैं। महासागरों में 5 प्रमुख जायर स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से गार्बेज पेच बनाते हैं। सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से अध्ययन किया गया गार्बेज पेच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच है, जो मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी कचरा क्षेत्र को जोड़ता है, जो कचरे को एक से दूसरे तक ले जाने के लिए राजमार्ग के रूप में कार्य करता है। इसी वजह से कैलिफोर्निया के पास गिराए गए मलबे की एक छोटी सी वस्तु जापान तक जा सकती है और फिर अंत में ये वस्तुएं गार्बेज पेच के भवरों द्वारा खींच ली जाती हैं। और दशकों से समुद्री लहरों के घूमने के कारण हमारा प्लास्टिक का मलबा यहाँ जमा हो गया है और ये प्लास्टिक की वस्तुएं दूर दूर तक फैली हुई हैं और इस मलबे में हर प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में उन्हें पेच के अंदर पानी की बोतलें, टूथब्रश, प्लास्टिक के बैग, शौचालय के सीटें इत्यादि इत्यादि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के बाद में कहा गया है कि सतह पर मौजूद वस्तुएं तो काफी ज्यादा कम है समुद्रों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक की तुलना में, क्योंकि समुद्र में अधिकांश प्लास्टिक का मलबा माइक्रोप्लास्टिक के रूप में मौजूद है। तो माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी छोटे टुकड़े होते हैं और अगर इनके बारे में बात करें तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और प्लास्टिक समुद्रों में सालों तक तैरती रहती है। इस दौरान यूवी किरणें, हवाओं और समुद्री लहरों की क्रिया इन प्लास्टिक की वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और प्लास्टिक के इन छोटे छोटे टुकड़ों को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में पाए जाने वाले प्लास्टिक के सबसे छोटे टुकड़ों में गिने जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक दुनिया के हर कोने में पाए गए हैं और एक अध्ययन के अनुसार हमारे महासागरों में अनुमानित 50 से 75 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। और माइक्रोप्लास्टिक के अलावा कुछ प्लास्टिक बिना टूटे ही समुद्रों में डूब जाता है, क्योंकि इन प्लास्टिक की वस्तुओं पर जीव पनपने लगते हैं, जो प्लास्टिक को इतना भारी बना देते हैं कि वे धीरे धीरे गहरे समुद्रों के अंदर डूबने लगते हैं। और इस समुद्रों में स्थित प्लास्टिक दशकों से वहां मौजूद है और दशकों तक वहां मौजूद रहेगा। और कुछ प्लास्टिक समुद्री धाराओं की वजह से समुद्र तटों पर भी पाए जाते हैं और ये एक अनुमानित विवरण है महासागरों में स्थित प्लास्टिक वेस्ट का। तो बात करते हैं कि आखिर इतने सारे समुद्री जीव प्लास्टिक की वजह से क्यों मारे जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि महासागरों में बहुत कुछ समा जाता है, लेकिन इसके परिणाम काफी ज्यादा भयानक है। ये समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे द्वारा महासागरों में फैलाया गया प्लास्टिक वेस्ट पानी के अंदर तबाही मचा रहा है, समुद्री जीवों को मार रहा है या फिर अपंग बना रहा है। तो समुद्रों में प्लास्टिक से संभावित नुकसान की खोज लगभग 40 साल पहले जानवरों के अध्ययन से ही शुरू हुई थी, जब समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने समुद्री पक्षियों के आहार का अध्ययन करते हुए उनके पेट से प्लास्टिक ढूंढना शुरू किया। और वर्तमान में 8 से 10 मिलियन टन भूमि आधारित प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में पहुंच जाता है और यही प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र में जीवों के लिए प्रतिकूल समस्याएं पैदा करता है। 800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियां इसमें उलझने या फिर अन्य खतरों से प्रभावित होती हैं और हजारों जीव गलती से इसे भोजन समझकर प्लास्टिक खा लेते हैं। दरअसल एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर में 1557 प्रजाति, जिनमें से कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं, वे प्लास्टिक खा चुकी हैं। इन समुद्री जानवरों के लिए जो आंखों की रोशनी पर भरोसा करते हैं, समुद्री प्लास्टिक खाने लायक लग सकता है, लेकिन दूसरों के लिए जैसे व्हेल और डॉल्फिन, जो अपने शिकार को खोजने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, ये शायद और भी ज्यादा भ्रमित करने वाला है। उनके करोड़ों साल पुराने सोनार सिस्टम को प्लास्टिक की सदियों पुरानी अवधारणा के साथ तालमेल बिठाने का समय नहीं मिलता और इसकी संभावना है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं, और इसी कारण से वे प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं और अंत में मारे जाते हैं। प्लास्टिक के सेवन से इन जानवरों के पाचन तंत्र अवरुद्ध हो सकते हैं या फिर आंतरिक अंगों में छेद हो सकते हैं और जानवरों का दम भी घोट सकता है और उन्हें ये सोचकर भूखा मार सकता है कि प्लास्टिक खाने से उनका पेट भर गया है। और कुछ मामलों में जब ये अधिक मात्रा से प्लास्टिक का सेवन करते हैं तो उनके भंडारण की क्षमता काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे कि उनका खाना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे फिर इनके कुपोषण के कारण दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे 2018 में स्पेन के एक समुद्री तट पर किशोर शिक्राणु व्हेल मृत पाया गया, जिसके पाचन तंत्र में 30 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट पाया गया और मौत का कारण इन कई टुकड़ों की सूजन थी, जो सभी विषांग पदार्थों में लिप्त थे, जिससे शायद इस जानवर को भारी पीड़ा हुई हो और अंत में उसकी मौत हो गई। और ये तो केवल एक उदाहरण है, ऐसा कई बार हुआ है जहां इसी तरह की घटनाएं जानवरों के साथ हुई है। ये तो कुछ बड़े जानवर हैं, इसके अलावा समुद्री पक्षी और सभी समुद्री कछुए प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक के बैग, बोतल के ढक्कन जैसी प्लास्टिक की वस्तुओं को आसानी
से निगल लेते हैं और बाद में मारे जाते हैं। और आपको ऐसे कई वीडियोस और फोटो इंटरनेट पर मिलेंगी जहाँ इन जानवरों के पेट से ऐसी वस्तुएं बरामद हुई हों। और इसके अलावा हमने पहले बात की थी कि प्लास्टिक का मलबा विघटित नहीं होता बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद प्लास्टिक अन्य छोटे समुद्री जानवरों के लिए भी उपलब्ध हो जाता है और वे इसका सेवन करते हैं। और 2018 तक 114 से अधिक जलीय प्रजातियों के अंगों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए थे जिनमें से कुछ प्रजातियां सबसे गहरे समुद्री खाइयों में ही पाई जाती हैं। और 2020 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि कम से कम 14 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक कण समुद्रों के तल में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 51 ट्रिलियन से अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण पहले ही दुनिया के महासागरों में फैले हुए हैं। और ये अनुमान लगाया गया कि यदि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया तो 2050 तक 99% समुद्री प्रजातियां माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग करेंगी। अब माइक्रोप्लास्टिक के साथ दिक्कत यह है कि ये जानवरों के शरीर पर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण इन जानवरों के पाचन तंत्र से गुजरते हैं और बिना किसी परिणाम के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई मामलों में ये पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर देते हैं या फिर छेद देते हैं जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब तक किए गए कई परीक्षणों से इस बात की पुष्टि की गई है कि माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति से लीवर और कोशिका क्षति के साथ साथ प्रजनन प्रणाली में भी व्यवधान हो सकता है जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक खतरा है। और नए शोध से ये पता चलता है कि लार्वा मछली अंडे से न के कुछ दिनों के भीतर ही नैनो फाइबर खा रही है। अब बात करते हैं गोस्ट नेट्स के बारे में। तो ये मछली पकड़ने के उपकरण हैं जिन्हें या तो लापरवाही से या फिर जानबूझकर समुद्रों में पीछे छोड़ दिया जाता है जो फेंके जाने के बाद भी लंबे समय तक समुद्री जानवरों को फंसाते हैं और मारते हैं। ये साइलेंट किलर समुद्रों के स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। आमतौर पर इन नेट्स के अंदर कछुए, सील, डॉल्फिन, व्हेल जैसे जानवर फंसते रहते हैं। और हो सकता है कि आप भी इस बात से अनभिज्ञ हों कि समुद्री स्तनधारी पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते और इनमें फंसने से वे सतह तक नहीं पहुंच पाते और दम घुटने के कारण मारे जाते हैं। और इसके अलावा इनमें फंसे घायल और कमजोर जानवर अन्य शिकारियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। और इन नेट से लगने वाली चोटें और आंतरिक अंग क्षति संक्रमण का कारण बनती है जिनसे इन जानवरों की धीरे धीरे दर्दनाक मौत हो जाती है। और लैंड एनिमल्स के साथ भी यही दिक्कत है कि वे भूमि आधारित प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से जानवर मारे जाते हैं क्योंकि जब भी प्लास्टिक का उचित निपटान नहीं किया जाता तो वह कूड़े के रूप में पर्यावरण में चारों ओर फैल जाता है और फिर भूखे जानवर इसे भोजन समझकर आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और इसी वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो सकती है। जैसे कई बार जब वे प्लास्टिक की थैलियां और अन्य लचीली प्लास्टिक की वस्तुएं खाते हैं तो वह जानवरों की गर्दन या फिर अंगों के आसपास फंस जाती है जिससे कि इनका दम घुट सकता है या फिर परिसंचरण बाधित हो सकता है। इसके अलावा पाचन तंत्र में प्लास्टिक की रुकावट इन्हें पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोक सकती है जिसके कारण कई बार ये जानवर कुपोषण या फिर भुखमरी के कारण मारे जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्लास्टिक को बैन किया जा सकता है। हालांकि सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना प्लास्टिक प्रदूषण का एक सीधा समाधान प्रतीत हो सकता है तो प्रतिबंध से पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा में काफी कमी आ सकती है जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान कम हो सकता है और प्रतिबंधों से टिकाऊ सामग्रियों को बढ़ावा मिल सकता है और प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ सकती है। इसके अलावा जिम्मेदार उपभोग आदतों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ लाभ हैं प्लास्टिक बैन के, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये काफी जटिल मुद्दा है। प्लास्टिक को पूर्ण रूप से तो बैन नहीं किया जा सकता, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट, सभी प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों को काफी अधिक नुकसान होगा जिससे कि लाखों लोगों की नौकरी छूट सकती है और ये एक आर्थिक घटनाई होगी। तो वैश्विक प्लास्टिक उद्योग एक जटिल और प्रभावशाली शक्ति है जिसमें सामग्री उत्पादन से लेकर उत्पाद निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन तक की गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जिसके आर्थिक प्रभाव को समझने के लिए कई पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है। तो हम अगर प्लास्टिक उद्योग के अनुमानित ग्लोबल रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में वैश्विक प्लास्टिक उद्योग का बाजार मूल्य 609 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2023 में 712, तो 2033 तक 1050 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। तो ये रेवेन्यू पैकेजिंग, निर्माण और ऑटोमोटिव जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादन की बढ़ती मांग से प्रेरित महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। तो देखो, प्लास्टिक उद्योग काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उद्योग के अंदर लाभ विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों के आधार पर विभिन्न होता है। जैसे कच्चे माल का उत्पादन करने वाले बड़े पेट्रोकेमिकल दिग्गजों के पास डाउनस्ट्रीम निर्माताओं या रिसाइकलिंग कंपनियों की तुलना में काफी अधिक लाभ मार्जिन हो सकता है। और जिस गति से हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं तो पेट्रोकेमिकल दिग्गज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हम अगर रोजगार की बात करें तो वैश्विक प्लास्टिक उद्योग दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है। स्टैटिका के अनुसार अकेले भारत में प्लास्टिक उद्योग लगभग 4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और ये कई अरबों डॉलर का उद्योग है। और भारत की अर्थव्यवस्था
में ये प्रमुख योगदान देता है। तो प्लास्टिक उद्योग अनुसंधान और विकास वैज्ञानिकों से इंजीनियरों, उत्पादक श्रमिक और मार्केटिंग प्रोफेशनल तक को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। तो देखो, प्लास्टिक उद्योग जटिल और बहुआयामी दोनों है। इसके अंदर आर्थिक लाभ और पर्यावरण चुनौतियां दोनों है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए प्लास्टिक उद्योग पर निर्भर है। तो देखो, संपूर्ण प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना तो इम्पोसिबल है, लेकिन उसकी बजाय विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार 2023 तक 120 से अधिक देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए हैं और इन प्रतिबंधों के कारण बहुआयामी हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक समुद्री मलबे, लैंडफिल और कूड़े में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचता है। और इन प्रतिबंधों का लक्ष्य है कि प्लास्टिक कचरे को उसके स्रोत पर ही कम करना है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक आसानी से माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाते हैं, जो खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं और मानव और जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकते हैं। और इन प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से लागू करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर कमजोर कानून प्रणाली और सीमित संसाधनों वाले देशों में। देखो, प्लास्टिक उद्योग अधिकतर अपने लाभ की परवाह करते हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है प्लास्टिक रिसाइकलिंग से। जैसे ही कोई पर्यावरण आंदोलन जोर पकड़ता है, वे रिसाइकलिंग में लाखों डॉलर खर्च करते हैं जब तक कि वो आंदोलन बंद नहीं हो जाता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रिसाइकलिंग बेकार है, नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसे कई तरीके की प्लास्टिक है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, और ऐसे कई औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र और लोग हैं जो कि रिसाइकलिंग में विश्वास करते हैं। भले ही हमने आज तक केवल 9% प्लास्टिक को रिसाइकल किया है, लेकिन ये काफी ज्यादा मायने रखता है। और कई संगठन और लोग इस समय हमारे महासागरों को साफ करने में जुटे हुए हैं, जिन्हें काफी सफलताएं हासिल हुई हैं। लेकिन हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को महासागरों से पूर्ण रूप से साफ करना काफी मुश्किल है, लेकिन लोगों के प्रयत्न जारी हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव है, वह सिंगल यूज प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण रिसाइकलिंग।